कि आओ किनके लोड करवाया हुआ है माल है पूरा, और इन वालों में एक कट्टा कम बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, मैं आज सुबह मॉर्निंग में आके सोया था भाई पोर पार करके यहाँ पे, और सुबह भाई वगैरह आए थे यहाँ होटल पे मिलने। सो अब जाके मैं शाम के टाइम पे उठा हूँ, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा तकरीबन 5-6 बजे, तो अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। सो मैं सुबह यहाँ पे 7-7.30 बजे के करीबन आया था, फिर भाई वगैरह आ गए होटल पे, तो शाम के टाइम पे यहाँ से निकलेंगे। और सूरत का सफ़र 150 किलोमीटर का है अपना। तो जो भाई नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करना, तो बने रहना पूरे ब्लॉग में। आज लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, सो अभी नाइट का ब्लॉग खाली करेंगे, तो वो सब ब्लॉग मैं दिखाने वाला हूँ आपको। और सूरत अंदर सिटी के अंदर मैं पहली बार जा रहा हूँ भाई, इससे पहले मैं मंडी तक गया हूँ, मंडी से आगे कभी नहीं गया मैं, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं सूरत से सिटी के अंदर। तो निकलेंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ से। तो भाई अभी पहुँच गया मैं भाई भरूच, और अभी यहाँ से अपना सफ़र है तकरीबन 70 किलोमीटर का। तो 11 बजे नो एंट्री खुलेगी सूरत में, 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो रात में ही खाली करके वापस बाहर निकल जाएंगे। नो एंट्री में खाली होगा, कहां से क्या है, और लोकेशन लगा के जाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं थोड़ा लेट इसलिए भी जा रहा हूं क्योंकि ट्रैफिक रहेगा ना सिटी में, तो 11-12 बजे तक सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अकेला हूँ तो ट्रैफिक में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है अकेले बंदे को। और भाई इस बार मेरे को पूरे रास्ते में बारिश कहीं पे नहीं मिली, कल थोड़ा बहुत मिली थी अहमदाबाद के पास में, बाकी कहीं पे बारिश नहीं मिली यार। और सुबह से सोया हुआ शाम को उठा मैं आज, अब वहाँ से निकला था मैं शाम को 6 बजे, धीरे धीरे आ रहा हूँ आराम से रुकते हुए। मेरे पास में दोस्तों पहले ये भरूच नदी वाला ब्रिज है, नर्मदा नदी से पहले यहाँ पे मेरे पास में गाड़ी लगी थी एक बार, 1966 गाड़ी नंबर थी, और मैं था गुरु के साथ में, तो इधर जाम लगता था बहुत खतरनाक। तो मेरे पास जाम में गाड़ी मतलब हल्का सा लगी थी आगे से, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मतलब डर हो गया था मेरे को जाम वगैरह में गाड़ी चलाने, उसमें लगी भी ऐसी थी कि मेरे को टूल टैक्स की एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना था, तो मैं इतना चलाना नहीं आता था उस टाइम पे। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे टोल टैक्स था, तो उस लाइन के लेने के चक्कर में ना आगे वाली गाड़ी वाले ने तुरंत ब्रेक वापस पेडल दबा दिया, और भाई गुजरात महाराष्ट्र में ऐसा है ना, डंपर वगैरह के इनके ब्रेक बत्ती नहीं होती है, ये पता नहीं लोग 100-200 रुपये खर्च करके ब्रेक बत्ती हर गाड़ी में होनी चाहिए, तो इन्होंने लगवा नहीं रखी थी, उस चक्कर में वो गाड़ी लगी थी मेरे पास में। यहाँ पे टोल था, ये आजकल ब्रिज हो गया है यहाँ पे, ये जस्ट इस वाली जगह पे टोल टैक्स था, और ये भाई सिंगल ब्रिज था पहले, ये वाला ये नया रोड तो अब बना है, पहले ये सिंगल था, तो इस करके बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लगता था यहाँ पे, मतलब 12-12 घंटे जाम में लगे हुए हैं। देख लो यहाँ से अंकलेश्वर तक तकरीबन 20 किलोमीटर है, 20 20
किलोमीटर का जाम यहाँ पे लगा हुआ है। और भाई इतने खतरनाक तरीके से लगता था, हम सुबह जाम में लगते, दूसरी सुबह निकल के जाते थे यहाँ से 12 घंटे 24 घंटे। ये सिंगल ब्रिज था भाई, अब तो वो वाला ब्रिज चालू कर दिया राज, उस पर लाइटें वगैरह देखो, लाइटिंग कितनी शानदार कर रखी है। पहले आपको शायद कभी नहीं देखने को मिला होगा ये, और ये नर्मदा नदी नीचे पानी देखो। बार पानी थोड़ा कम है नदी में, नहीं तो ऐसे बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी होता है इसमें। तो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई सूरत शहर में, सूरत सिटी में। और भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे, बाने में आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैप लगा के आ रहा था भाई। तो ये लगी अपनी गाड़ी, और भाई यहाँ पे कपड़ा उद्योग का इतना काम है, अभी ये यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे चल रहा है कपड़े का काम। तो यहाँ पे लगाया अपन ने, अभी ये खाली करके निकल जाएंगे यहाँ से 1-2 घंटे में। और 12 बजे फिर पहुँच गया था मैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे 12 बजे पहुँच गया था मैं, अभी 12:30 हो रहा है, आधा पौना घंटा लग गया लेबर को उठ के नीचे आने में, ऊपर में ही रहते हैं यहाँ पर। तो वो भाई लोग बिहार से हैं सारे के सारे, तो वो बोल रहे हैं भाई 2 घंटे में तेरे को खाली करके भेज देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो 2 घंटे में अपन यहाँ से खाली करके कंप्लीट और निकल जाएंगे। और भाई यहाँ पे ना छोटी छोटी फैक्ट्री है, चारों तरफ मशीनें चालू हैं, तो उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इतना भयंकर वाला शोर हो रहा है यहाँ पे चारों तरफ। मतलब छोटी छोटी नो एंट्री में भी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा काम है कपड़े का सूरत शहर में। तो अभी करते हैं थोड़ी देर रहे, तब तक भाई लोग करते हैं खाली। भाई इन कट्टों में एक कट्टा कम बता रहे हैं, ये पूरा मेरा गिनती किया हो किन के लोड करवाया हुआ है माल है पूरा, और इन वालों में एक कट्टा कम बता रहे हैं। तो मैं कल चेक करवा दूंगा। कौन? इधर भाई ये लोट लगा है यहाँ पे। तीन की थप्पी है। भाई अभी आ गया वापस भाई खाली करके, और दोस्तों पहली बार यहाँ सूरत शहर में आया हूँ अंदर। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4, और सुबह सुबह ही मगजमारी वाला काम हो गया, अभी इन्होंने एक कट्टा कम कर दिया, बावजूद इसके कि गाड़ी का कांटा होके आया है वहाँ पे, गिनती करके लेके आए हैं फिर भी एक कट्टा कम। अब बोल रहा हूँ दोबारा से गिनती करो, तो गिनती नहीं कर रहे हैं, बोलो कल दिन में आओ। अब यहाँ पे इतनी दूर से कौन आए, देखते हैं सुबह क्या रहने वाला है। अभी अभी मैं जा रहा हूँ वापस हाईवे पे,
है क्या है भाई, लोकल रोड है। बॉम्बे की तरह बारिश चालू है, हर 5 मिनट में जा रही है आ रही है। वरदान टेक्सटाइल, आ गया सामने हाईवे भाई, दिल्ली बॉम्बे हाईवे NH 48, और यहाँ पे बना दिया ये अंडरपास। मैं जब सेव लेके आया था तब इसका काम चालू था। अभी ये हो चुका है कंप्लीट। अपन जाएंगे वापस हाईवे पे, टोल टैक्स पे। बरसात में बुरा हाल हो गया रोडों पे। और यहाँ पे भाई इस वाले रोड पे ना सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, वडोदरा से लेके बॉम्बे तक सबसे हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे। सो गाइस अभी पहुंच गया मैं होटल पे भाई, सूरत टोल पार करके, और एक कट्टा कम करके यार उन्होंने भाड़े में 4,000 रुपये रोक के रखे थे पार्टी वाले ने, तो अभी एक कट्टा कम की वजह से मेरे को लग रहा है ये 4,000 का फटका लगने वाला है। बाकी सुबह जाके ना एक बार करवानी पड़ेगी गिनती, अगर उसने अब काउंट का दोबारा से कर लिया होता तो भी पता लग जाता। लेकिन गाड़ी का वेट भी हुआ 19 टन 200 kg वेट हुआ है गाड़ी का, और 640 कट्टे थे, 30 kg का कट्टा था, तो उसमें मिस्टेक कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे दोबारा से गिनती नहीं कर रहे थे तो एक कट्टा कम हुआ है।
अभी देखते हैं सुबह क्या रहने वाला है। सो अभी तो करते हैं रेस्ट भाई, आँख बहुत ज़्यादा नींद चढ़ी हुई है आँखों में। सो सुबह कॉल करेंगे दोनों पार्टियों को, यहाँ सूरत भी और वहाँ भी चित्तौड़गढ़ भी। तो अभी करते हैं रेस्ट, सो ब्लॉग का करते हैं दी एंड और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।